खबर प्लस के सक्षत प्रोग्राम में आज हम बात करेंगे कांग्रेस नेता दिनेश चौरसिया से, जो खुद यहां से उम्मीदवारों के अंदर एक नाम है, बड़ा नाम है, एक आम कार्यकर्ता है जिन्होंने कांग्रेस के लिए जो है अपने पिता के साथ भी काम किया, खुद ने भी काम किया है और अब टिकट की मांग कर रहे हैं। इस बार कांग्रेस के अंदर सामान्य वर्ग को टिकट देने की मांग उठी है, कांग्रेस में सामान्य वर्ग से टिकट की मांग उठी है, आखिर इसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? कांग्रेस में सामान्य वर्ग से टिकट की मांग इसलिए भी उठी है कि यहाँ पर पिछले कई चुनाव से लगातार अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट दिया जा रहा था कांग्रेस से, लेकिन अब हम ये चाहते हैं कि कांग्रेस टोंक एक गंगा यमुनी तहजीब का शहर है, तो हम ये चाहते हैं कि एक बार अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट दिया जाए तो एक बार बहुसंख्यक वर्ग को टिकट दिया जाए, और अगर दोनों का कॉम्बिनेशन बनता है तो हम कांग्रेस यहाँ से हमेशा प्लस रही है, शहर से हमेशा प्लस रही है, तो अगर ऐसा होगा तो ये एक अच्छा समीकरण होगा और यहाँ पर कभी भी कांग्रेस को हारने की स्थिति का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अब तक का जो कांग्रेस का इतिहास बताता है टोंक के लिए कि मुस्लिम सीट मान लिया गया है, अल्पसंख्यक को सीट दी जाती है, टिकट दिया जाता है, और अब तक सिर्फ 3 चुनाव कांग्रेस ने जीते हैं, किसी अल्पसंख्यक ने जो चुनाव लड़ते हैं सिर्फ 3 जीते हैं और एकमात्र उम्मीदवार जकिया, तो इसलिए कहीं जकिया का विरोध तो नहीं है? नहीं नहीं, जकिया जी का कोई विरोध नहीं है, जकिया जी हमारे वरिष्ठ नेता है, राजस्थान सरकार की मंत्री भी रही है, विरोध वाला कोई मसला नहीं है इसके अंदर। हम तो कांग्रेस 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है और हम जब भी कभी यहाँ पर अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट दिया गया है तो बहुसंख्यक वर्ग ने कंधे से कंधा मिलाकर के अल्पसंख्यक वर्ग का साथ दिया है, ऐसा गलत है कि कहीं ऐसा नहीं है कि एक तरह से। और यहाँ ये जरूर है कि राजस्थान के अंदर जो मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र माने जाते हैं उसमें टोंक एक है, और हम उस बात की अपने स्तर पर और पार्टी के स्तर पर इज्जत भी करते हैं, लेकिन बहुसंख्यक वर्ग ये चाहता है कि दोनों को बराबर रखा जाए। आप भी दावेदारों की सूची में हैं, अगर बात आपकी की जाए तो ये दावेदारी कहां तक पहुंची है और आपको क्या उम्मीदें हैं? इस बार कांग्रेस चेहरा बदल रही है, ये बात बिल्कुल सही है, और जहां तक मेरी दावेदारी का सवाल है तो मेरी दावेदारी न प्रदेश स्तर पर बल्कि दिल्ली स्तर पर भी मैं अपनी दावेदारी को पेश करके आया हूँ, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आलाकमान मुझ जैसे छोटे कार्यकर्ता को जो परसों से इस पार्टी की सेवा कर रहा है मुझे मौका देने, तो मैं निश्चित रूप से विजय करके ये सीट कांग्रेस वाला कमान को दूंगा। आपको लगता है कि पार्टी जो है अल्पसंख्यक की जगह सामान्य वर्ग को मौका देने जा रही है? हाँ बिल्कुल, कोई ऐसे संकेत मिले हैं? बिल्कुल, जब ही इतनी एक्सरसाइज चल रही है इस पे कि अगर बहुसंख्यक वर्ग को टिकट दिया जाए तो उसके परिणाम क्या रहेंगे, पार्टी थोड़ी सी इस मामले को लेकर शंकित है, लेकिन हमने व्यक्तिगत रूप से विश्वास दिलाया पार्टी आला कमान को कि अगर बहुसंख्यक वर्ग को भी टिकट दिया जाएगा तो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग भी ये चाहते हैं कि बहुसंख्यक वर्ग को टिकट मिले और यहाँ से हम विजय करके भेजें। टोंक सीट को लेकर देखने में आया कि कांग्रेस की एक लंबी लिस्ट नजर आ रही है, इसका खामियाजा तो नहीं भुगतना पड़ेगा? टिकट मांगने का अधिकार सबको है, लेकिन जब टिकट मिल जाता है तो उसके बाद ये लड़ाई खत्म हो जाती है, और लड़ाई खत्म होकर के कांग्रेस के नाम पर कांग्रेस के झंडे तले सब एक होकर के चुनाव लड़ते हैं और हमेशा विजय प्राप्त करते हैं। आप जिम्मेदार नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, आप ये कह रहे हैं कि लड़ाई खत्म हो जाती है, ऐसा लगता तो नहीं कि अतीत का अगर इतिहास उठा के देखा जाए तो कांग्रेस जब जब हारी है तो अपनों के कारण ही तो हारी है? तो कभी कभी ऐसा कोई बात हो जाती है, कभी कभी विघटन हो जाता है तो उसका परिणाम भुगतना पड़ जाता है, लेकिन सामान्यतः ऐसी बात नहीं। महामंत्री हैं आप जी, आप वादा करते हैं कि कांग्रेस अगर अल्पसंख्यक को ही टिकट देती है तो आज भी सामान्य वर्ग का कार्यकर्ता जो कांग्रेस से जुड़ा है वो पूरी तरह उनका साथ देगा? निश्चित तौर पे अगर अल्पसंख्यक वर्ग को टिकट मिलता है तो कंधा से कंधा मिलाकर कांग्रेस को विजय बनाने का प्रयास करेंगे, चाहे वो कोई सा भी कैंडिडेट आए, कांग्रेस निश्चित रूप से टोंक से विजयी होगी। बीजेपी विकास की बात करती है, आपके पास क्या मुद्दा है? टोंक को लेकर हम बात कर रहे हैं तो टोंक में क्या मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ रहे हैं? जहां तक विकास का सवाल है तो ये विकास आप हंस रहे हैं। हाँ, मैं इसलिए हंस रहा हूँ कि जो विकास हुआ है वो आपकी और हमारी नजर में है कि परिवारों का विकास हुआ है, टोंक का तो विकास हुआ नहीं। टोंक के विकास में तो आज देख लीजिए सड़कों की क्या हालत है, पीने के पानी की क्या व्यवस्था है, लाइट की क्या व्यवस्था है, अल्पसंख्यक वर्ग का क्या हाल है, वो महिलाओं का क्या दशा है, कई बातें हैं ऐसी, कोई उद्योगिक और कोई ऐसे नए रोजगार के साधन
पिछले 5 साल में कोई उपलब्ध नहीं कराया। बीजेपी तो कहती है 60 साल में जो इतिहास में जो विकास नहीं हुआ वो हमने करके दिखाया है, तो बीजेपी तो विकास की बात करती है। देखो विकास का जहां तक सवाल है तो कांग्रेस का विकास तो हम मानते हैं कि कांग्रेस ने अपने समय में आज जिस लेवल पे आप और हम बैठे हैं ये कांग्रेस ने ये कम किया है, आज तक करते आ रही है। अगर बात विकास की जाए, बात अनियमितताओं की जाए, जो आपने अभी मुद्दे गिनाए, बिजली पानी जैसी चीजें नहीं है, चिकित्सा सुविधा नहीं है, कांग्रेस फेल भी तो रही है, विरोध ही नहीं कर पाए आप लोग। तो समय समय पर जब भी कभी ऐसी बात आई है आम जनता के लिए तो सुन सड़कों पर उतरे, हमने कई आंदोलन की। कांग्रेस में आम कार्यकर्ता की क्या कदर है? मैं बात कर रहा हूँ दिनेश चौरसिया से, मैंने आपको दरी पट्टियां उठाते हुए देखा है, पोस्टर चिपकाते हुए देखा है, आपके पिता भी जो है कांग्रेस की राजनीति से जुड़े रहे हैं, एक सामान्य कार्यकर्ता के उन्होंने अपना जीवन जिया है। नतीजा क्या है, क्या मिलता है कांग्रेस में? कांग्रेस एक 36 कौमों को साथ लेकर चलने वाली पार्टी है, एक कैडर बेस्ड पार्टी है, और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, आज अगर मैं महामंत्री हूँ, मेरे पिताजी जिस जमाने में हरदेव जी जोशी युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते तो वो जिले के महामंत्री थे उस जमाने में भी, और उसके बाद मैंने जिला NSUI का जिला अध्यक्ष रहा, यूथ कांग्रेस का महामंत्री रहा, और पिछले 17 साल से लगातार जिला कांग्रेस का महामंत्री हूँ। ऐसा नहीं, पार्षद भी रहा हूं मैं 2 बार, एक बार अभी मेरी श्रीमती भी अभी वर्तमान में गायत्री देवी पार्षद है, नेता प्रतिपक्ष भी है यहाँ नगर परिषद से, तो आम कार्यकर्ता को पार्टी की तरफ से पूरा मौका मिलता है। लेकिन पार्टी की गुटबाजी का नुकसान भी तो हुआ है, आपके पास बहुमत था नगर परिषद चुनाव में और आज आप प्रतिपक्ष में बैठे हैं। ये जहां तक नगर परिषद का सवाल है, हमारे ही कुछ लोगों द्वारा एक ऐसा उस टाइम षड्यंत्र रचा गया कि उसका परिणाम पार्टी को भुगतना पड़ा, हम हार गए, कोई बात नहीं है, लेकिन उन लोगों को इस बात का आज मैं तो उसको एक बुरी घटना समझ करके बोलना चाहता हूं, और मैं तो अभी यही चाहता हूं एक पार्टी का सच्चा सिपाही होने के नाते कि सब पार्टी के झंडे के नीचे एक होकर के चुनाव लड़े। अगर ऐसे ही लोग आज टिकट की दौड़ में शामिल है जहां आप इशारा कर रहे हैं, जिन्होंने पार्टी को अतीत में नुकसान भी दिया है, अगर ऐसे लोग आते हैं तो क्या लगता है पार्टी के लिए अच्छा संकेत होगा? आला कमान इस बात से चिन्हित है, मैं ज्यादा इस मामले में कुछ कहना नहीं चाहता, आला कमान को पता है कि कौन क्या है और वो उसी तरीके से फैसला करेगी। कांग्रेस में गुटबाजी अपने चरम पर देखने को मिल रही है, अलग अलग गुटों में कांग्रेस बट्टी नजर आती है, टिकट के लिए अलग अलग दावे वादे तो होते हैं, लेकिन बाद में एक चीज देखने को जो सबसे ज्यादा कांग्रेस के लिए नुकसानदायक ये होती है कि टिकट मांगने के बाद भी लड़ाइयां नहीं रुकती है। आप महामंत्री के नाते टोंक जिले में कितने आशावान है कांग्रेस की जीत को लेकर, क्या परिणाम रहने वाले 4 सीटों पर? रवि जी मैं ये बात निश्चित रूप से आपको कह सकता हूँ कि हम 4 सीटें जीतेंगे, पार्टी जिसको भी टिकट देगी पार्टी का कार्यकर्ता ईमानदारी से उसका साथ देगा और बिल्कुल तन मन और धन से पार्टी कार्यकर्ता साथ देकर के 4 सीटों पर कांग्रेस को विजय बनाएगा, राजस्थान में सरकार बनाएगा और मौका मिलेगा तो लोकसभा में भी हम यहां से अपना प्रतिनिधि जीता करके भेजेंगे और केंद्र में भी हमारी सरकार बनाएंगे। यह है दिनेश चौरसिया जो खुद कांग्रेस के लिए टोंक विधानसभा सीट से टिकट की दौड़ में है, उनका यही कहना है कि पार्टी एक सूत्र में बंधी हुई है, टिकट की लड़ाई जो है टिकट तक है, टिकट के बाद में जो भी पार्टी का उम्मीदवार होगा वो हम सब का उम्मीदवार होगा और हम गंगा जमुनी तहजीब का जो शहर है इसकी विरासत को संभाल कर रखेंगे, इसके सांप्रदायिक सौहार्द को जो है आगे भी बनाए रखेंगे। प्लीज सब्सक्राइब खबर प्लस 18 फॉर द लेटेस्ट न्यूज एंड अपडेट एंड प्रेस द बेल बटन।